वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। हमने जो है अपने चैनल पर फीमेल मल्टीपर्पज़ मेल मल्टीपर्पज़ की जेके एसएसपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट 40 क्वेश्चंस की जो वीडियो का पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं फीमेल मल्टीपर्पज़ वाली प्लेलिस्ट में, या फिर आप जेके एसएसपी इंपॉर्टेंट फॉर कंपिटेटिव करके प्लेलिस्ट होगी उसमें आपको ईजिली मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है आप पहले उसको देख लीजिए जाकर, तभी आपको ये नेक्स्ट 40 क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, इस वीडियो का एक पार्ट और होने वाला है। अभी हम 40 to 80 क्वेश्चंस हैं जो 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद में लास्ट के 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 120 मार्क्स का आपका पेपर रहता है, आपका 120 जो है क्वेश्चन होते हैं आपके, ईच क्वेश्चन जो है वो आपका एक मार्क्स का रहता है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 4 क्वेश्चन गलत आपके इन सीरीज़ तो आपका जो एक क्वेश्चन है एक मार्क्स वो कटेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। आपसे पहले सबसे 41 क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ वाटरबोन डिजीज़। वाटरबोन डिजीज़ की एग्जांपल कौन सी है, इनमें से आपकी ट्यूबरक्लोसिस है, लेप्रोस्कोपी है, टेटनस है, या फिर टाइफाइड है। तो आपकी टाइफाइड जो है वो वाटरबोन डिजीज़ है। देन हम बात कर लें आपके क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, किन हैड द पेशेंट स्किन बाय अल्टरनेटेड ग्रैप्सिंग एंड कंप्रेशन मोशन इज टर्म्ड एज, उस टर्म को क्या बोलते हैं, प्रिस्टेज इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करें यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन बी असेस्ड बाय यूजिंग बर्डन स्केल। कौन सी कंडीशन को हम असेस करते हैं बर्डन स्केल के द्वारा, प्रेशर अल्सर इज द राइट आंसर। ठीक है, देन हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 44 की, ब्लिंक्स मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इज अदरवाइज नाउन एज, क्या बोलते हैं हम उस मेथड को, हम बोलते हैं ओवुलेशन मेथड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात कर लें यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल डायमेंशन ऑफ वेलनेस। फिजिकल डायमेंशन क्या है वेलनेस की, वो है आपकी एबिलिटी टू अचीव फिटनेस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 की हम यहाँ पर बात करें आपके सामने, द इम्यूनोग्लोबिन डेट क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर इज IgG, जो है वो आपका इम्यूनोग्लोबिन है जो क्रॉस करता है प्लेसेंटा के बैरियर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 की हम यहाँ पर बात कर लें, वट इज़ द टर्म फॉर साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। ठीक है, साइंस की कौन सी जो टर्म है जो फूड और हेल्थ के साथ रिलेट करती है, वो है आपकी न्यूट्रिशन। ठीक है, देन है क्वेश्चन नंबर आपका 48। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया आपसे, हु डिस्कवर द पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन को डिस्कवर किया था जॉन्स स्लाक ने। ठीक है, देन है आपका क्वेश्चन नंबर 49, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द प्रिसाइज डिग्री ऑफ मोशन इन पर्टिकुलर जॉइंट। ठीक है, प्रिसाइज डिग्री जो है आपकी जॉइंट की मेजरमेंट के लिए हम कौन से स्केल का यूज़ करते हैं, कौन से मीटर का यूज़ करते हैं, वो है आपका गाइनोमीटर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लें हम यहाँ पर, व्हाट इज़ द रूल ऑफ 9 हेल्प टू आइडेंटिफाई। रूल ऑफ 9 जो है वो किस में हेल्प करता है, क्या आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करता है, वो करता है आपका ग्राउथ रिट्रोडक्शन। ठीक है, देन हम बात कर लें आपके क्वेश्चन नंबर 51 की, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ ड्रग मायरडर्टिस। मायोडर्टिस का क्या, मायोडर्टिस जो ड्रग है उसका क्या एक्शन है, वो एक्शन है डिलीट द पुपिल्स। ठीक है, जो आपकी आई में पुपिल्स होता है उसको डिलीट करता है। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 52, द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या रहना चाहिए आपका, 100 to 150 मिलीग्राम जो है आपका रहना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 53 की हम बात कर लें, व्हाट इज़ द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर एंट्रिक फीवर। पॉजिटिव जो ऑर्गेनिज्म है एंट्रिक फीवर के लिए वो क्या है आपका, सेलिमोना टाइफाई इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें हम यहाँ पर, तो व्हाट इज़ द टर्मिनल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग अमंग मेल्स। ठीक है, टर्मिनल मेथड क्या है फैमिली प्लानिंग का मेल्स में, वैसियोटोमी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लें, विच कंडीशन ऑफ पेशेंट इज़ हैविंग अ फाउल स्मेल ड्यूरिंग ब्रेथ। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, हैलिटोसिस। देन हम बात कर लें आपके क्वेश्चन नंबर 56 की, विच क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट द पेशेंट इज एक्सप्रेसिंग हाइपोकैलेमिया। एब्डोमिनल डिस्टेंशन इज़ द राइट आंसर। देन हम बात कर लें आपके सामने क्वेश्चन नंबर 57 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ टेरिटोरियल लेवल हॉस्पिटल। टेरिटोरियल लेवल में जो हॉस्पिटल आता है वो किसकी एग्जाम्पल है, वो है आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ठीक है, देन हम बात कर लें आपके सामने क्वेश्चन नंबर 58 की, वेयर इज़ द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड सेक्रेटेड इन ब्रेन। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड जो है वो कहाँ पर बनता है ब्रेन में, वो बनता है आपका क्लोराइड प्लेक्सिस में। देन क्वेश्चन नंबर 59 की हम बात कर लें, बाय विच स्ट्रक्चर ब्लड एंटर्स फ्रॉम द राइट आर्ट्रियम टू लेफ्ट आर्ट्रियम ड्यूरिंग फीटल लाइफ। ठीक है, कौन सी
जब कंडीशन होती है आपकी फ्यूटल लाइफ होती है आपकी, राइट आर्ट्रियम से लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड किसके थ्रू जाता है? आपका जाता है फोरमैन वेल्व के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछा गया था, विच वैक्सीन इज़ कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ठीक है, तो कौन सी वैक्सीन है? वो है आपकी MMR, ठीक है, मेलस मम्प्स रूबेला, ये है आपकी MMR की फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 61, व्हेन अ टॉडलर रिपीट्स वर्ड्स एंड फ्रेज विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज टर्म्स, क्या कंडीशन है वो आपकी? वो है आपकी इक्योलाई। देन क्वेश्चन नंबर हम बात करें आपकी 62 की, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ आशा, एक्सपेंशन मीन्स आपकी फुल फॉर्म बतानी है इसकी, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ चेस्ट कंप्रेशन फॉर अडल्ट, जब CPR देते हैं हम कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिएशन, उसमें अडल्ट का चेस्ट कंप्रेशन कितना होता है? 5 to 6 सेंटीमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 64, विच विटामिन हेल्प इन ब्लड कॉगुलेटिंग प्रोसेस, ब्लड क्लॉटिंग में आपकी विटामिन कौन सी हेल्प करती है? वो करती है आपकी विटामिन के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज़ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर मम्प्स, मम्प्स के लिए कॉजेटिव जो है वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? वो है आपका पेरियोमॉक्स वायरस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 की हम बात कर लें आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज कॉल्ड स्लीपिंग, स्लीप टेकिंग, कौन सी टर्म को हम बोलते हैं स्लीप टेकिंग? सिलिमा लिक्यूगाय इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस, ब्लड क्लॉटिंग से बचने के लिए हम कौन से ड्रग का यूज़ करते हैं? वो है आपका हाइपरिन। लो हाइपरिन मॉलिक्यूलर जो आपका इंजेक्शन है वो पेशेंट को दिया जाता है जब उनको कार्डियक अरेस्ट होता है या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाती है, ब्लड ज़्यादा थिक हो जाता है, ब्लड को थिन करने के लिए हम लो मॉलिक्यूलर हाइपरिन इंजेक्शन का जो है यूज़ करते हैं। हाइपरिन आपका काम करता है ब्लड को पतला करने में, ठीक है, और प्रिवेंट करता है आपकी ब्लड क्लॉटिंग को। क्वेश्चन नंबर 68 आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टोज इंडिकेट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम प्री एकलेप्सिया, ठीक है, तो कौन सा टेस्ट करते हैं? यूरिन टेस्ट और एल्बुमिन पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज़ हलोसिनेशन, हलोसिनेशन क्या होती है आपकी? पैरासेप्चुअल अबनॉर्मलिटीज इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 की हम बात कर लें यहाँ पर, विच इज़ द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट, इनडायरेक्ट मेथड कौन सा है न्यूट्रिशनल असेसमेंट को जाँचने के लिए? वो है आपका डाइट सर्वे। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नाउन एज, फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी का? वो है आपका नेफ्रॉन, ये सबको पता है, बेसिक क्वेश्चन है एनाटॉमी का। देन क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें हम, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर प्रेजेंस ऑफ फोइटल हेड इन अ वेल्वल आउटलेट ड्यूरिंग लेबर, क्राउनिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, द इनएबिलिटी टू रिटेन और रिकॉल द पॉजिटिव पास्ट एक्सपीरियंस इज नाउन एज MNCA इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, विच प्लेस द फीटल हर्ट साउंड आर बेस्ट ऑडियोबल इन वर्टेक्स इन ब्रीच प्रेजेंटेशन, लेफ्ट स्कैपुलर रीजन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 की हम बात कर लें, इन विच डिजीज द टेरेमिस और लॉक जॉ कैन नोटिस, ये किस में देखा जाता है लॉक जॉ आपका? टैटनस में, ठीक है, और टेटनस को प्रिवेंट करने के लिए हम इंजेक्शन कौन सा देते हैं आपका? TT का टेटनस टॉक्साइड, ठीक है, कितनी डोसेज होती है इसकी? इसकी होती है 0.5 ml, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 की हम बात कर लें, व्हाट इज़ द मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड टू द एंटीनेटल मदर टू प्रिवेंट एनीमिया, हम क्या मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं उनको? आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट्स, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन फॉर ओरल कंट्रासेप्टिव, क्या है आपका? कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट सेल। देन क्वेश्चन नंबर हम बात करें आपके 78 की, द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग द यूट्रस टू इट्स नॉन प्रेग्नेंट स्टेट इज नाउन एज इन्वोल्यूशन इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर बात कर लें हम 79 की, व्हाट इज़ द शेप ऑफ जीनोसाइट पेल्विक, क्या शेप होती है जीनोसाइट पेल्विक की? राउंड शेप होती है। देन हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 80 की, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड फॉर प्रिवेंटिंग द सर्विक कैंसर, कौन सी वैक्सीन देते हैं हम सर्विक कैंसर से बचने के लिए? HPV वैक्सीन जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, ठीक है। ये थे आपके नेक्स्ट 80 क्वेश्चन आपके फीमेल मल्टीपर्पस मेल मल्टीपर्पस JKSSB 2021 का, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, ये हमने आपके सामने डिस्कस किया। इसके बाद एक पार्ट लास्ट और आएगा वीडियो का, थर्ड पार्ट, उसमें हम
आपके इस पेपर को ख़त्म करेंगे। सिलेबस ऑलरेडी अपलोड है। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच।